सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीचर्स ने जूम ऐप पीसी के थ्रू कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है, कैसे लिंक सेंड करना है, कैसे स्क्रीन शेयर करनी है, कैसे स्टूडेंट्स को म्यूट अनम्यूट करना है, कैसे एनोटेशन को ऑन ऑफ करना है, कैसे चैट कंट्रोल करनी है और कैसे स्टूडेंट्स की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी है रिकॉर्डिंग के थ्रू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीसी में रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है, कैसे वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करनी है, ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट साइड पे पीसी टीचर यूज कर रहा है एंड राइट साइड पे मोबाइल स्टूडेंट यूज कर रहा है। सबसे पहले हम टीचर के पीसी से लॉग इन करेंगे। दोस्तों, पीसी में लॉग इन करने के बाद ऑप्शन मिलेगी होम, चैट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट्स, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, स्केड्यूल, शेयर स्क्रीनिंग। दोस्तों, अगर टीचर मीटिंग को स्केड्यूल करना चाहते हो तो स्केड्यूल पे क्लिक करके टीचर मीटिंग को स्केड्यूल कर सकता है। दोस्तों, राइट कॉर्नर में शो हो रही है सेटिंग्स, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग ओपन हो जाती है। आफ्टर दैट वीडियो, अगर टीचर यहाँ पे अपना कोई वेबकैम चेंज करना चाहते हो वेबकैम चेंज कर सकता है, स्क्रीन रेशियो चेंज करना चाहते हो स्क्रीन रेशियो भी चेंज कर सकता है, अगर HD इनेबल करना चाहते हो HD इनेबल भी कर सकता है। दोस्तों, आफ्टर दैट ऑप्शन आ रही है वर्चुअल बैकग्राउंड की। अगर टीचर वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहता है, जैसे मैं ये बैकग्राउंड को यूज कर रहा हूँ, तो टीचर ने यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड सेट करनी है, बैकग्राउंड को सेट कर सकता है। अगर रिमूव करना चाहते हो रिमूव भी कर सकते हैं, मैं बाद में आपको बैकग्राउंड अप्लाई करके दिखाऊंगा ड्यूरिंग मीटिंग। उसके बाद ऑप्शन आ रही है रिकॉर्डिंग्स की। अगर टीचर चाहता है कि उसकी रिकॉर्डिंग्स है वो ऑटोमेटिक चलती रहे जब भी टीचर मीटिंग स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए टीचर ने रिकॉर्ड वीडियो ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है। अगर टीचर प्रोफाइल पिक चेंज करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके टीचर ने अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेनी है, उसके लिए टीचर को ब्राउजर में लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया है, उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर टीचर किसी स्केड्यूल मीटिंग का लिंक शेयर करना चाहता है तो मीटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मीटिंग स्केड्यूल होगी वहां सभी शो होगी। उसके बाद कॉपी इनविटेशन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट टीचर किसी भी सोर्स के थ्रू मीटिंग लिंक शेयर कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर रहा हूं। अगर टीचर ने स्केड्यूल मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे मीटिंग के थ्रू ही मीटिंग स्टार्ट करनी है। और दूसरी तरफ मैं स्टूडेंट फोन से भी मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही एडमिट की ऑप्शन आएगी टीचर ने यहाँ एडमिट करना है। और दोस्तों, अगर टीचर कोई एक्सटर्नल माइक या स्पीकर यूज करना चाहता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिस डिवाइस को वो यूज कर रहा है। उसके बाद ऑप्शन आ रही है स्टार्ट वीडियो की, तो टीचर ने यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करना है। अगर टीचर कोई एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहा है, कोई USB कैमरा यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके कैमरा चूज करना है। दोस्तों, अगर टीचर वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड शो होगी, यहाँ पे टीचर ने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड स्टार्ट हो जाएगी वर्चुअल बैकग्राउंड। दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरी वर्चुअल बैकग्राउंड स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ऑप्शन आ रही है सिक्योरिटी की। अगर टीचर मीटिंग को लॉक करना चाहता है तो यहाँ से लॉक कर सकता है। अगर वेटिंग रूम को डिसेबल करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो खुद एडमिट होते चले जाए, तो इसे डिसेबल कर देना है। अगर पार्टिसिपेंट को अलाउ करना है स्क्रीन शेयरिंग के लिए तो आपने इसे क्लिक करना है, अदरवाइज डिसेबल रहने दीजिए। उसके बाद चैट्स के लिए अलाउ करना है स्टूडेंट्स को, तो टिक करना है। रीनेम देमसेल्फ, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट एंट्री के बाद नेम ना चेंज कर सकें तो आपने रीनेम देमसेल्फ को ऑफ कर देना है। अनम्यूट देमसेल्फ को भी ऐसी ऑप्शन आ रही है, अलाउ करना है या नहीं करना। और अगर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेंट को देखना चाहते हो कि मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके, तो आपने पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी पार्टिसिपेंट शो होंगे। उसके बाद आप मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे स्टॉप वीडियो करनी है तो आप स्टूडेंट्स की वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। अगर आप वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हो स्टूडेंट्स की, तो आस्क टू स्टार्ट पे क्लिक करना है और जो स्टूडेंट है वो स्टार्ट कर देगा अपनी वीडियो। ऐसे आप अगर म्यूट करना चाहते हो म्यूट ऑल, तो आपने यहाँ पे म्यूट ऑल पे क्लिक करना है। अलाउ पार्टिसिपेंट टू म्यूट देमसेल्फ, अगर आप चाहते हो कि अपनी मर्जी से स्टूडेंट अनम्यूट करें तो आपने इसे अलाउ रखना है, नहीं अदरवाइज आपने इसे डिसेबल कर देना है। अब स्टूडेंट अपनी मर्जी से अनम्यूट नहीं कर सकता है। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे अनम्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसे यहाँ पे एक मैसेज शो होगा।
और अगर आप स्टूडेंट को अनम्यूट करना चाहते हो तो आपने आस्क टू अनम्यूट पे क्लिक करना है और स्टूडेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी अनम्यूट करने के लिए। जैसे स्टूडेंट अनम्यूट करेगा तो स्टूडेंट अनम्यूट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी स्टूडेंट को होस्ट बनाना चाहते हो तो आपने मेक होस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप रीनेम करना चाहते हो स्टूडेंट का, आप रीनेम भी कर सकते हो। अगर आप किसी स्टूडेंट को वेटिंग रूम में सेंड करना चाहते हो तो आप वेटिंग रूम में भी स्टूडेंट को पुट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। दोस्तों चैट और स्क्रीन शेयरिंग को देखने से पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड के ऑप्शन को। तो आपने रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हो। अगर आप फिर से रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हो आप रिकॉर्डिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हो और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन आ जाएगा। और दोस्तों स्टूडेंट फोन में भी यहाँ रिकॉर्डिंग शो हो रही है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। दोस्तों अगर आप लैपटॉप से मीटिंग ले रहे हो तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं चैट की। अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ चैट करना चाहते हो तो आप चैट भी कर सकते हो। अगर आप पर्सनल चैट करना चाहते हो तो आप पर्सनल चैट भी कर सकते हो सिलेक्ट करके। अगर आप ग्रुप में चैट करना चाहते हो तो आप ग्रुप में भी चैट कर सकते हो। अगर आप कोई फाइल सेंड करना चाहते हो तो आप यहां से फाइल भी सेंड कर सकते हो सिलेक्ट करके, अपने पीसी से सिलेक्ट करके फाइल भी सेंड कर सकते हो। फाइल सेंड करने की ऑप्शन मोबाइल में नहीं मिलती, सिर्फ आप इसे पीसी में यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर टीचर पार्टिसिपेंट की चैट को कंट्रोल करना चाहता है तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट की चैट को आप कंट्रोल कर सकते हो। पार्टिसिपेंट कैन चैट विद नो वन, होस्ट ओनली, एवरीवन पब्लिकली एंड प्राइवेटली। दोस्तों यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स की चैट को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ रही है स्क्रीन शेयर की। वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर स्क्रीन एट टाइम, मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन स्क्रीन सिमल्टेनियसली। दोस्तों अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पूरी स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो आपने स्क्रीन शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है। और साथ में अगर आप वीडियो के साथ ऑडियो भी शेयर करना चाहते हो, आपके पास कोई MP4 फाइल है, कोई आप YouTube की वीडियो शेयर करना चाहते हो तो आपने साथ में शेयर कंप्यूटर साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे आप शेयरिंग स्टार्ट करोगे उसके बाद आपने YouTube ओपन करना है या कोई भी फाइल ओपन करनी है तो स्टूडेंट को ऐसी शो होगी। उसके बाद ऑप्शन आ रही है व्हाइट बोर्ड की। अगर टीचर व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहते हैं तो व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर टैब को भी शेयर कर सकते हो, जो भी आप टैब को शेयर करना चाहते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है एडवांस की। एडवांस में आप स्क्रीन का कोई भी पोर्शन यूज कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन का कोई भी पोर्शन यूज करना चाहते हो पोर्शन कर सकते हो। आप कोई म्यूजिक करना चाहते हो म्यूजिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सेकंड कैमरा तो आप सेकंड कैमरे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है फाइल्स की। अगर आप ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव कहीं से भी फाइल को शेयर कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, सिर्फ आप पीडीएफ फाइल को ही शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने पहले पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद आपने शेयरिंग की ऑप्शन को चूज करना है। पीडीएफ फाइल ओपन करनी है। पीडीएफ फाइल ओपन करने के बाद शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पे फाइल शो होगी तो आपने उसके बाद फाइल को चूज करना है, उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। अब आपकी सिर्फ पीडीएफ फाइल ही शो होगी। अब कोई अगर आप कुछ और ओपन करते हो अपने पीसी से तो वो नहीं शो होगा, सिर्फ आपकी जो पीडीएफ फाइल है वही शो होगी। दोस्तों अगर आप एडवांस ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो आपने यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही ऑप्शन शो होगी, पार्टिसिपेंट की ऑप्शन भी यहां पे शो होगी। अगर आप पार्टिसिपेंट को साथ में कंट्रोल करना चाहते हो तो आपने ड्रैग करना है पार्टिसिपेंट को एक साइड पे और आप यहां से साथ में पार्टिसिपेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन सा जो पार्टिसिपेंट है, कौन सा स्टूडेंट है नॉइज कर रहा है। माइक भी ग्रीन हो जाएगा जो भी स्टूडेंट यहां पे कुछ स्पीक करेगा। ड्यूरिंग स्क्रीन अगर कोई स्टूडेंट एडमिट होगा तो आपको यहां पे रिक्वेस्ट आएगी स्टूडेंट को एडमिट करवाने के लिए। दोस्तों यहां से आप सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हो, म्यूट अनम्यूट, वीडियो की सिक्योरिटी की, पार्टिसिपेंट की, पॉज स्क्रीन शेयरिंग। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग बताना चाहता हूं कि आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे चैट पे क्लिक करके चैटिंग भी कर सकते हो और पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड यहां से आप अगर आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो आप यहां से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट भी कर सकते हो। डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशंस, अगर आप यहां पे डिसेबल कर देते हो तो कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ भी राइट नहीं कर सकता। अगर आप इसे अलाउ कर देते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अब इनेबल हो गई है। दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि आपने शो नेम ऑफ एनोटेटर को क्लिक करना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कोई मार्किंग करेगा तो यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मार्किंग करनी स्टार्ट करेगा, कुछ भी यहाँ पे राइट करेगा
तो यहाँ पे दूसरी तरफ स्टूडेंट का नेम आ जाएगा कौन मार्किंग कर रहा है, और साथ में आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, याद रहे टीचर के साथ में रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अगर कोई स्टूडेंट का पेरेंट्स बोलेगा कि भाई हमारे बच्चे ने तो हमारे स्टूडेंट ने तो ये काम नहीं किया, तो आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने किया है। लेकिन उससे पहले रीनेम देमसेल्फ की ऑप्शन को आपने डिसेबल कर देना है, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा स्टूडेंट किसी का नेम चेंज करके मार्किंग स्टार्ट कर दे। दोस्तों अगर टीचर कुछ एनोटेट करना चाहता है, कुछ राइट करना चाहता है, तो टीचर भी यहाँ पे राइट कर सकता है। जैसे टीचर किसी चीज को कोई स्पॉटलाइट करना चाहता है तो टीचर यहाँ से स्पॉटलाइट कर सकता है, है ना। और अगर क्लियर करना चाहता है तो क्लियर भी हो जाएगा, क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देनी है और क्रॉस पे क्लिक करके एग्जिट करना है एनोटेट से। दोस्तों शेयरिंग को स्टॉप करने के लिए स्टॉप शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेयरिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों अगर आप रिकॉर्डिंग को पॉज या स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके स्टॉप या रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो रिकॉर्डिंग है वो कन्वर्ट होगी, जैसे ही आप मीटिंग को एंड करोगे उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है वो कन्वर्ट होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट होगी। तो अभी यहाँ से मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, एंड ऑल मीटिंग पे क्लिक करना है, मीटिंग को लीव नहीं करना, एंड ऑल मीटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप एंड ऑल मीटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद मैं आपको शो करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे सेव होगी। दोस्तों मीटिंग रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने के बाद आपको पाथ शो होगा जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो सेव होगी। दोस्तों अगर आप रिकॉर्डेड फाइल को प्ले करना चाहते हैं तो आपने इस फाइल पे क्लिक करना है, इस फाइल पे क्लिक करने के बाद आप प्ले करके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप के रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।